नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी पीओ, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ के प्रीवियस ईयर पजल को देखेंगे। जितने भी प्रकार के पजल पूछे गए थे सभी पजल को हम एक ही वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो का अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी बच्चे आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार के पजल पूछे गए थे। दोस्तों अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले को जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो 2017 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे आरआरबी पीओ में। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी पीओ में, ठीक है, आरआरबी पीओ में। तो ध्यान से देखिएगा इस पहले क्वेश्चन को, ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एट बॉक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर प्लेस्ड प्लेस्ड वन अबव द अदर इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। मतलब आठ बॉक्स को अरेंज करना है। बॉक्स नंबर वन क्या हो जाएगा, बॉटम पे हो जाएगा, और बॉक्स नंबर एट क्या हो जाएगा, टॉप पे हो जाएगा। तो ये मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक एक कॉलम बना लीजिए, दो तीन कॉलम बना लीजिए, क्योंकि गलत भी होते हैं इसमें। तो ऐसे करके हमने दो तीन कॉलम बना लिया, और यहाँ पे आठ लिख लिया, यहाँ पे सात लिख लेंगे, यहाँ से छः पाँच चार तीन दो एक, ऐसे लिख लिया आपने। अब उसके बाद क्या करना है, ऐसे लाइन खींच लीजिए जल्दी से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में जो डेटा लिखा है ना उसको लिखिए साथ में, तभी आप जल्दी क्वेश्चन बना पाइएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, देयर आर थ्री बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में तीन बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए और बी के बीच में तीन बॉक्स है, तो ऐसे लिख लिया मैंने, ए और बी के बीच में तीन बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है बॉक्स एच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो ए, मतलब ए के नीचे एच है, ए के नीचे एच है, जस्ट ए के नीचे एच है, ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिएगा, देयर आर टू बॉक्स बिटवीन एच और जी, एच और जी के बाद कितने बॉक्स है, दो बॉक्स है, एच और जी को लेके कितने, एच और जी के बीच में कितने बॉक्स है, दो बॉक्स है। उसके बाद देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ, देयर आर टू बॉक्स बिटवीन एच और जी, देयर आर एज मेनी बॉक्स बिटवीन सी और डी एच और बी, मतलब यहाँ पे बोला गया कि सी और डी के बीच में जितने बॉक्स है, मान लीजिए एक्स बॉक्स है सी और डी के बीच में, उतने ही बॉक्स किसके बीच में है, एच और बी के बीच में है। तो नीचे लिखते हैं एच और बी के बीच में भी कितने बॉक्स हो जाएंगे, एक्स बॉक्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि बॉक्स सी इज केप्ट अबव डी, बॉक्स सी है ना डी के ऊपर है, बॉक्स सी कहाँ है, डी के ऊपर है, ठीक है। ये जस्ट ऊपर नहीं है, बस ऊपर बोला गया है कि ऊपर रखा हुआ है। बॉक्स ई इज केप्ट इमीडिएटली बिलो डी, बॉक्स ई जो है ना, बॉक्स ई जो है ना वो डी के जस्ट नीचे है। तो इसको कैसे बनाएंगे, मतलब बॉक्स डी के जस्ट नीचे क्या है, बॉक्स डी के जस्ट नीचे क्या है, ई, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा बॉक्स डी के जस्ट नीचे क्या है, बॉक्स ई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि थ्री बॉक्स आर देयर ई और एफ, ई और एफ के बीच में तीन बॉक्स है, ई और एफ के बीच में कितने बॉक्स है, तीन बॉक्स है। तो ये डेटा हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज हम लोग को करना है, तो हम लोग दो तरीके से अरेंज करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ए को मान लेते हैं एक दो तीन, बी को यहाँ मान लेते हैं, या फिर इसका उल्टा भी लेके चलते हैं, दोनों में से कोई एक सही होगा या दोनों गलत भी होगा, तो बाद में हम लोग देखेंगे। बी और ए को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ठीके? या तो बी ऊपर होगा या ए ऊपर होगा, दोनों में से कोई एक ऊपर होगा। अब मान लीजिए कि ए के नीचे क्या है, एच है, तो ए के नीचे एच है, तो यहाँ पे ए के नीचे एच होगा और यहाँ पे ए के नीचे एच होगा, ठीक है। पेंसिल से बनाइएगा तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत होने के चांसेस होते हैं। एच और जी के बीच में दो बॉक्स है, अब एच और जी के बीच में दो बॉक्स है, तो यहाँ तो जा नहीं सकेगा क्योंकि यहाँ दो ही आदमी है, यहाँ ऊपर जाएगा, एक 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 दो, एच और जी के बीच में दो बॉक्स है। तो जो जो आपका होते जा रहा है उसको टिक लगाते जाइए, ये हो गया, इसको टिक लगा लिया, ठीक है, तीन चीज हो गया है। और यहाँ पे एच और जी के बीच में दो बॉक्स हो नहीं पाएगा, तो ये पूरा क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये वाला होगा ही नहीं चांसेस,
ठीक है, अब कुछ चेंज होगा तो हम लोग देखेंगे। ये हो सकता है या फिर ए और बी का पोजीशन चेंज हो सकता है। अब इसके बाद यहाँ बोला गया है कि डी के नीचे ई है, ई और एफ के बीच में तीन बॉक्स है, और एच और जी का जो था वो खत्म हो चुका है, एच और जी का जो था वो खत्म हो गया। अब ई और एफ के बीच में तीन आदमी है, मान लीजिए कि ई को यहाँ रख लेते हैं, 1 2 3, एफ को यहाँ रख सकते हैं, ई और एफ को यहाँ रख सकते हैं, या फिर ई यहाँ पे हो जाएगा और एफ यहाँ पे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ई और एफ के बीच में तीन आदमी है, उसके बाद डी जो है ई से जस्ट ऊपर है, तो यहाँ पे डी ई से जस्ट ऊपर है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ई होता तो उसके ऊपर जी होता तो वहाँ डी नहीं आ पाता। तो ई और एफ को भी बैठा लिया हमने, ई और एफ के बीच में तीन आदमी, डी ई से ऊपर है, ये भी हो गया। अब यहाँ बोला गया सी और डी के बीच में उतने ही आदमी है जितने एच और बी के बीच में है। अब एच और बी के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, एच और बी के बीच में, हम गलत देख रहे हैं, 1 2 3 4, चार आदमी है। तो एच और बी के बीच में भी, सी और डी के बीच में भी चार आदमी होंगे, 1 2 3 4, मतलब सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों काफी आसानी से, चाहे तो आप लोग बना सकते हैं, प्रैक्टिस चाहिए आप लोग को, आसानी से आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं। तो ये मैंने बैठा दिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का बन गया 2017 का, ठीक है, ये आया था बॉक्स को अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आया था, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखिएगा, 2017 का ही क्वेश्चन है, 7 पर्सन है यहाँ पे, अलग अलग मंथ में जन्म लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर, ठीक है, 7 अलग अलग मंथ दिया हुआ है। अब यहाँ स्टेटमेंट शुरू होता है, वहां से हम लोग को बनाना है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग फिलहाल हटाते हैं इसके सॉल्यूशन को, और हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक ये बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे, ठीक है, उसमें मंथ लिख लीजिए, मंथ क्या क्या है, जनवरी है, उसके बाद क्या है फरवरी है, उसके बाद क्या है मार्च है, उसके बाद क्या है अप्रैल है, उसके बाद क्या है जून है, उसके बाद यहाँ क्या है अगस्त है, उसके बाद यहाँ क्या है अक्टूबर है, ऐसे हमने लिख लिया। अब यहाँ पे एरो दे दीजिए ऐसे करके, यहाँ पे भी हमने दे दिया। अब देखिएगा, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेटा देखिएगा, लिखा हुआ है कि ओनली 3 पर्सन वे आर बॉर्न बिटवीन ई और डी, ई और डी के बीच में केवल 3 आदमी है, ई और डी के बीच में क्या लिखा हुआ है, ओनली 3 पर्सन वे आर बॉर्न बिफोर ई, बिफोर ई बोला है, मतलब ई से पहले केवल 3 आदमी है। स्टेटमेंट को भी ध्यान से देखना होगा, तो अप्रैल में अगर ई को बैठाएंगे तो उससे पहले 3 ही आदमी होंगे, ई से पहले 3 आदमी होते हैं, एंड डी इज नॉट वन ऑफ देम, मतलब डी जो है ना वो ई से पहले नहीं है, तो डी यहाँ पे नहीं होगा, डी यहाँ पे नहीं होगा, और डी यहाँ पे नहीं होगा, मतलब इन 3 मंथ में डी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एफ वॉज नॉट बॉर्न इमिडिएटली आफ्टर ई, मतलब एफ जो होगा ई के तुरंत बाद नहीं होगा, मतलब एफ यहाँ पे नहीं होगा, एफ यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ई फिक्स हो गया, ठीक है, आफ्टर होगा, एफ आफ्टर हो सकता है या बिफोर हो सकता है, बट जस्ट आफ्टर नहीं हो सकता है। बी वॉज बॉर्न आफ्टर एफ, बी वॉज बॉर्न आफ्टर एफ, अब ये हम लोग को पता नहीं है, आफ्टर एफ, बी वॉज बॉर्न आफ्टर एफ, इमिडिएटली लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ए वॉज बॉर्न इमिडिएटली बिफोर इन द मंथ जी, मतलब ए का जन्म जी से जस्ट पहले होता है किसी एक मंथ में, मतलब ए और जी एक साथ आएगा, ठीक है, इन द मंथ, मतलब जी से पहले आ जाएगा। ओनली 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन, ओनली 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन जी और एफ, जी और एफ के बीच में केवल 2 आदमी है, जी और एफ के बीच में 2 आदमी है। अब हम लोग एफ को कहाँ बैठा दे कि जी और एफ बैठे, अब यहाँ तुरंत बाद नहीं होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे बैठा के एक चांस लेते हैं, और जी और एफ के बीच में 2 आदमी है, तो 1 2, मान लीजिए जी यहाँ पे हो गया तो ए इसके ऊपर हो जाएगा, तो ये सिंगल टिक हमने लगा लिया। अब उसके बाद एफ बी, एफ बी नीचे आना चाहिए, बी नीचे आना चाहिए, तो एफ और बी भी बैठ गया, ठीक है। अब उसके बाद 2 पोजीशन खाली रह गया, तो क्वेश्चन में और कुछ लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में और कुछ लिखा हुआ है या नहीं, डी जो है वो ऊपर नहीं होगा, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, ये भी सही बैठ गया,
अब एक पोजीशन खाली है तो सी यहाँ पे बैठेगा। तो देखिए अगर हर एक डेटा को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दोस्तों कुल मिला के आसान था, छोटा क्वेश्चन होगा एग्जाम में तो उनको पहले बनाइए, जो लंबा क्वेश्चन दिखेगा तो डेटा भी ज्यादा होते हैं लंबा क्वेश्चन में तो उनको बाद में बनाइएगा, पहले छोटा क्वेश्चन को बनाइए, छोटे क्वेश्चन जल्दी बन सकते हैं, प्रैक्टिस इन पे ज्यादा कीजिए। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये लंबा सा क्वेश्चन है तो इसको आप चाहे तो बाद में बना सकते हैं। अगर 20 नंबर का पजल दिया हुआ है तो 15 नंबर का तो पजल बना ही क्या ये एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि आपको मैथ्स में कम से कम 30 नंबर तो बनाना होगा अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। अब ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि 12 आदमी सिटिंग इन ए पैरेलल रो, अब रो 1 में ए बी पी क्यू एक्स और वाई बैठे हैं और रो 2 में ई एफ आर जेड एस बैठे हैं, रो 2 वाले साउथ फेस कर रहे हैं, रो 1 वाले नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और यहाँ देखिएगा रो 2 वाले ही नॉर्थ फेस कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है रो 2 वाले नॉर्थ फेस कर रहे हैं और रो 1 वाले साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को क्या करना है कि दो सॉल्यूशन लेके चलना है, मतलब दो सॉल्यूशन बना के चलिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा ये हो गया रो 1 और ये हो गया नॉर्थ वाले रो 2, तो ये हो गया साउथ वाले रो 1 नॉर्थ वाले रो 2, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन कहाँ पे बैठेगा ये भी आपको ध्यान में रखना है, नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, मैं इस साइड लिखता हूँ, ये हो गया रो 2 और ये हो गया रो 1, कहाँ दिख रहा है साउथ में दिख रहा है, ये कहाँ दिख रहा है नॉर्थ में दिख रहा है, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नीचे से देखिएगा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, देयरफॉर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन ए रो फेस एक दूसरे के सामने फेस करके बैठे हुए हैं। अब देखिए क्यू इज फोर्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, अब देखिए क्यू कौन से रो में बैठा हुआ है, क्यू जो है वो रो 1 में बैठा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, तो क्यू इज फोर्थ, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखिएगा, क्यू इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए जाना है, ठीक है ना। तो लेफ्ट ऑफ ए मान लीजिए ए यहां पे बैठा है तो क्यू कहां जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे क्यू बैठ गया। अब इसके सामने भी आदमी को बैठा दीजिए क्योंकि क्यू और ए अपने पोजीशन पे ही बैठेगा, और साउथ में क्या होता है मैंने बताया, इस साइड जाएंगे साउथ में तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा साउथ की कंडीशन में, नॉर्थ में उल्टा हो जाता है, तो ये आप लोगों को पता होगा, ये बेसिक क्लास अगर मैं मेरा देखा होगा आपने तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इस साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा, और इस साइड क्या होगा, राइट होगा। चलिए आगे देखिएगा, ये लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा, आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि Q is forced through left of A लिखा हुआ है, the one facing A turned to the left of S। अब A के सामने जो फेस किया हुआ है, कोई भी फेस किया हुआ है, वो क्या कर रहा है, turned to the left of S। अब turned to the left of S, S यहाँ पे बैठेगा तो 1 2 3, S का पोजीशन हम लोगों को पता चल गया, ठीक है, turned to the left of S, जहाँ पता चलते जा रहा है कंफर्म, वहाँ आपको रफ डेटा नहीं लिखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है कि ओनली 1% सीट बिटवीन एस और ई, अब देखिए यहाँ पे बनाना पड़ जाएगा हम लोग को इससे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे कितने आदमी बैठे हैं अभी, ए 1 2 3 4 क्यू, और यहाँ पे भी आदमी को बैठा देते हैं, यहाँ पे एस बैठा हुआ है, अब एस और ई के बीच में एक आदमी है, तो एस और ई के बीच में या तो यहाँ से एक आदमी हो जाएगा नहीं तो यहाँ से एक आदमी हो जाएगा, दोनों में से कोई एक तो सही होना चाहिए, ठीक है। अब टोटल 6 लोग यहाँ बैठ गए, 6 लोग यहाँ बैठ गए, 12 लोग बैठ गया, ठीक है ना, और इसमें हमने एस और ई के बीच में यहाँ पे एक आदमी बैठा है, दोनों में से कोई एक ही सही होने वाला है, तो ये दोनों में से कोई एक सही है, मैंने बता दिया आपको। ई डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड, अब ई अंतिम पे नहीं बैठेगा तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सही है, ई अंतिम पे नहीं बैठेगा, ठीक है। आगे देखिए, E does not sit any extreme end हो जाएगा, the one facing you sits second to the right of B, इसको याद रखना है, the one who facing you, यहाँ पे हमारे पास जगह है second to the right of B, अब B कहाँ बैठ रहा, ऊपर बैठ रहा है, तो राइट जाना है, तो एक आदमी दो आदमी और U यहाँ फेस करके बैठा हुआ है, तो यही चीज बोलना चाहता है यहाँ पे, ठीक है, second to the right of U।
राइट जाना है ना, राइट। ये तो हम लोग है, बी तो ऊपर बैठा है इस वाले रो में, तो एक दो और यहाँ पे यू फेस करके बैठा हुआ है, ठीक है। राइट जो लेफ्ट होता है साउथ में वो राइट कहलाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट राइट हो जाता है, उल्टा हो जाता है वहां पे। आगे देखिएगा, यू डज नॉट सिट एंड ऑफ लाइन। यू जो है अंतिम में नहीं बैठा हुआ है, यू जो है अंतिम में नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। यू जो है वो अंतिम में नहीं बैठा हुआ है। मान लीजिए कि यू को हम यहाँ पे बैठा ले फिलहाल, और क्योंकि यू अंतिम में नहीं बैठा है, एक आदमी यहाँ पे अंतिम में बैठेगा। मान लीजिए यू को यहाँ पे बैठा लिए, अब बी एक को यहाँ बैठाएंगे तो ये सेकेंड राइट ए बैठा है, ई के सामने यू फेस किया है, तो ये लगभग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू डज नॉट सिट एंड ऑफ लाइन हो जाएगा। ऑनली 2% बी और बाई के बीच में केवल दो आदमी है, बी और बाई के बीच में केवल दो आदमी है, तो बी और वाई के बीच में 6 आदमी अगर बैठ गया तो इस साइड तो नहीं बैठ पाएगा। बी और वाई यहाँ पे होगा, बी और वाई के बीच में 2 आदमी हो गया, ठीक है। तो ये भी हम लोग का बैठते जा रहा है। द वन हु फेसेस, द वन फेसिंग बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। बी के सामने जो फेस करके बैठा है ना, वो जेड के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, मतलब जेड यहाँ पे बैठेगा तो जेड के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है। तो अभी तक तो सही लग रहा है हम लोग को। और द वन हू फेसिंग जेड के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू। एफ जो है यू का पड़ोसी नहीं है, तो एफ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एफ यहाँ पे हो जाएगा, एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू हो जाएगा। पी डज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू हो जाएगा। पी जो है क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो पी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब एक एक इंसान बचा, तो यहाँ पे आर बैठ जाएगा, और यहाँ पे कौन सा इंसान बच गया, यहाँ पे एक्स बैठ जाएगा। तो ये देखिए सेटिंग अरेंजमेंट बना लिए, कोई भी रफ इसमें लिखना नहीं पड़ा, केवल एक जगह आपको एक रफ लिखना पड़ा, उसके बाद आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा फंसा सकता है, इस पे प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन से बच सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हटाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 बन चुका है, ठीक है। एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ इस क्वेश्चन को हटाकर, ठीक है। देखिए जब भी क्वेश्चन में लिखा हो नॉर्थ, और या जब भी क्वेश्चन में साउथ लिखा हो, मान लीजिए ये बीच वाला इंसान है, तो इस साइड अगर जाएंगे साउथ की कंडीशन में, साउथ की कंडीशन में इस साइड जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बट वही नॉर्थ की कंडीशन में अगर हम जाएंगे इस साइड, तो ये राइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को हटाइए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2017 का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ देखिए, एट फ्रेंड एम एन ओ पी क्यू आर एस टी सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, और इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, और इसमें क्या लिखा हुआ है, फेसिंग सेंटर सम फेसिंग आउटसाइड, मतलब कुछ लोग फेसिंग सेंटर करके बैठे हुए हैं, कुछ लोग आउटसाइड करके बैठे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, दो सर्कल बना देना है, एक सर्कल यहाँ बना दीजिए, एक सर्कल यहाँ बना दीजिए। दो सर्कल बना लिए, 8 लोगों को बैठा लीजिए दोनों सर्कल पे, 8 लोगों को बैठा लीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बना लेंगे। सर्कुलर जो होता है वो किसी भी तरह का पूछेगा तो आसान होता है, प्रैक्टिस होगा तो बना लीजिएगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, इतना तो हम लोग को समझ में आ गया, ओ सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, आर फेस सेंटर। अब यहाँ आर फेस सेंटर, आर फेस सेंटर, आर यहाँ पे देख रहा है, मान लीजिए कि आर यहाँ पे देख रहा है, अब ओ राइट जाएगा तो ओ यहीं पे जाएगा, राइट यही होता है। इस साइड क्या होता है, राइट होता है जब सेंटर की ओर देख रहे हैं, और इस साइड क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो फिलहाल इसको हटाते हैं, ये केवल बताना था मुझे, तो ये आप लोगों को पता होगा। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि ओनली 2% सीट बिटवीन ओ और एन, ओ और एन के बीच में केवल 2 आदमी है। यहाँ भी आर को बैठाना होगा आपको, क्योंकि दो कंडीशन लेके चलेंगे तो जल्दी बनेगा। यहाँ पे ओ हो जाएगा, एक दो एन मान लीजिए यहाँ हो गया, एक दो एन मान लीजिए यहाँ हो जाएगा, 2 आदमी किसी भी तरह बैठेगा, तो दोनों में से कोई एक सही होगा एक गलत होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब आगे क्या लिखा, ओ और एन के बीच में 2 आदमी हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एस सेकेंड टू राइट ऑफ ओ, एस सेकेंड टू राइट ऑफ ओ। अब मान लीजिए वो कहाँ देख रहा है ये हम लोग को नहीं पता है, सेंटर में देख रहा है या अपोजिट देख रहा है, बट सेकेंड राइट जाना है, तो एक दो यहाँ तो जा नहीं पाएगा, राइट बोला है तो यहाँ पे इनसाइड ही देखेगा। अब एक दो ऐसे यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी
ऐसे यही पे होगा, एस कहाँ पे होगा, यहाँ पे मान लीजिए एस हो जाएगा, ठीक है, ये इसी सेम पोजीशन पे होगा क्योंकि यहाँ पे आर बैठा है, सेकेंड वहां जा नहीं सकता है, इसका मतलब वो इनसाइड को देख रहा है। आगे देखिएगा, टी इज इमीडिएट राइट ऑफ आर एन, टी इज इमीडिएट राइट ऑफ एन, राइट जाना है तो यहाँ तो कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है, तो टी इज इमीडिएट राइट बोला है तो टी यहाँ पे हो जाएगा, और ये मुझे लगता है कि आउटसाइड देखेगा, क्योंकि अगर इनसाइड देखेगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा, उल्टा होता है, ठीक है ना, ये आउटसाइड देखेगा, एन क्या देखेगा, आउटसाइड देखेगा, तो टी उसके बगल में बैठेगा, और राइट बोला है तो एन इनसाइड देखेगा तो टी उसके बगल में बैठेगा, दोनों कंडीशन लेके चल रहे हैं साथ में। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है कि देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है कि एस और एन फेस से एस और एन फेस है अपोजिट डायरेक्शन, एस एंड एन फेस अपोजिट डायरेक्शन, एस और एन क्या कर रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, तो एन का हम लोग को पता है क्या, एन का आउटसाइड, तो एस का क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा, एस का क्या हो जाएगा, इनसाइड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे एस और एन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इमीडिएट नेबर ऑफ एस है फेस है सेम डायरेक्शन, एस का जो इमीडिएट नेबर है ना वो सेम डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, एस का इमीडिएट नेबर है सेम डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनसाइड है तो ये भी क्या होगा, इनसाइड होगा, और एस एन के उल्टा है तो यहाँ पे आउटसाइड होगा, बट यहाँ पे अभी नहीं पता चला अभी हम लोग को, तो यहाँ पे अभी हम लोग नहीं बैठाते हैं। आगे देखिएगा, केवल याद रखना है कि सेम डायरेक्शन बैठेगा एस का दोनों पड़ोसी। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ओनली 3% बिटवीन पी और क्यू, पी और क्यू के बीच में तीन आदमी है, तो मान लीजिए पी यहाँ पे बैठेगा नहीं तो क्यू यहाँ पे बैठेगा, दोनों का कोई ना कोई एक पोजीशन होगा बट यही पे बैठने वाला है, तीन आदमी होता है तो आमने सामने बैठाते हैं, और यहाँ पे पी मान लीजिए यहाँ पे बैठा, क्यू मान लीजिए यहाँ बैठा, चेंज करेंगे अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा होगा तो। नाइदर पी नॉर एम इमीडिएट नेबर ऑफ आर, जो पी है, जो पी है ना वो आर का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे अगर पी को बैठाते तो आर का पड़ोसी हो जाता, तो इस वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे पी क्यू बैठेगा, यहाँ पे पी बैठेगा, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि आर का पड़ोसी ना तो पी है और ना ही एम है, एम भी नहीं है ना, तो एम तो यहीं पे बैठना चाहिए, एक ही जगह हमारे पास खाली है एम के लिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे एम के लिए यहाँ भी एक जगह खाली है, अगर यहाँ बैठा देंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर का पड़ोसी नहीं होना चाहिए एम को, ठीक है, तो यही वाला हम लोग का सही है। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, क्यू इज ए सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, क्यू इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, देखिए राइट ऑफ एम हो रहा है ना तो ये आउटसाइड देखेगा, इसका मतलब तभी राइट ऑफ एम होगा, इस साइड जाएंगे तो राइट होगा जब आउटसाइड देखेगा, तो ये आउटसाइड देखेगा, पी और एम का पता चल गया कि आउटसाइड देख रहा है। उसके बाद बोथ टी एंड क्यू फेस सेम फेस है और डायरेक्शन अपोजिट डेट टू डेट ऑफ ओ, ओ के अपोजिट है, ओ के अपोजिट है, ओ के अपोजिट है, तो ओ इनसाइड है, तो किसके बारे में बोला गया है, टी और क्यू के बारे में बोला गया है, तो टी और क्यू ओ के अपोजिट है, मतलब टी जो है वो बाहर देखेगा और क्यू भी बाहर देखेगा, ठीक है, तो मुझे लगता है कि सबका डायरेक्शन सेट हो चुका है, सबका डायरेक्शन सेट हो चुका है और सब कोई भी बैठ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा बन चुका है, ठीक है ना, तो देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन लंबा है तो आपको टाइम लगेगा और कुछ लिखना नहीं पड़ा, जब तक आपको कुछ लिखना नहीं पड़े एग्जाम में, आप लिखिए नहीं, आप डायरेक्ट उसका एक से ज्यादा कंडीशन लेके बनाइए, आसानी से बन सकता है, प्रैक्टिस चाहिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। ये चौथा क्वेश्चन था, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, ठीक है, अब जो क्वेश्चन आ गया ये 2018 का क्वेश्चन है, अब 2018 में भी चार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 2020 में आपको पांच क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2018। उससे पहले मैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में कुछ आप लोग को बात बता देता हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया इनसाइड, तो इनसाइड में राइट इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट इस डायरेक्शन में, अगर क्वेश्चन में आउटसाइड बोला गया है तो राइट ये लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऐसे चलता है, ठीक है ना, क्वेश्चन इस प्रकार से चलेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 2018 RRB PO प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, देखिएगा
11 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच है, 11 बॉक्स दिए हुए हैं, उनको अरेंज करना है और उसके बारे में कंडीशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना, पांचवा क्वेश्चन है ये। थोड़ा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, अब दिख रहा है। अब 11 बॉक्स है, इनको अरेंज कीजिए, ठीक है, अरेंज कर लीजिए। अब यहाँ नंबर दीजिए, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे करके नंबर दे दीजिए। और इसके सामने अगर पॉसिबल हो तो लाइन भी खींच दीजिए, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है ना, लाइन भी खींच लीजिए ऐसे करके। अब देखिए अब क्या लिखा हुआ है, अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बॉक्स जी इज ए कैप्टन फिफ्थ पोजिशन फ्रॉम टॉप, टॉप से पांचवें नंबर पे बॉक्स है, कौन सा है, बॉक्स है जी है, टॉप से पांचवें नंबर पे। तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जो जी होगा वो सातवें नंबर पे होगा। यहाँ भी जी को क्या कीजिए, सातवें नंबर पे बैठा लीजिए, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन जी और एच, अब जी और एच के बीच में 2 बॉक्स होगा, तो जी और एच के बीच में 2 बॉक्स होगा, तो 1, 2 एच यहाँ पे हो सकता है, और 1, 2 एच यहाँ पे हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही सही होगा, दोनों सही नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में, आगे क्या लिखा हुआ है कि बॉक्स डी इज जस्ट अबव एच, डी जो है एच से ऊपर है, डी यहाँ पे या फिर डी यहाँ पे, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। अभी जस्ट अबव एच हो जाएगा, देयर आर एच मेनी बॉक्स से अबव डी एच बिलो बी, जितना डी से ऊपर है उतना ही बी से नीचे है, तो बी को यहाँ बैठा लीजिए। इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे तो लगता है यही सही होगा, तो अभी इसी को लेके चलते हैं, बाद में इस पे आ जाएंगे, ठीक है, गलत होगा तो। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आगे देखिएगा, 5 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन एफ और के, एफ और के बीच में 5 बॉक्स है, तो इसको अभी नहीं बैठाइए, इसको केवल लिख लीजिए, एफ और के बीच में 5 बॉक्स है, ऐसे करके लिख लीजिए, बाद में जब जरूरत होगा तब इसको देखेंगे। F और K के बीच में 5 बॉक्स है, विच इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो G, मतलब कौन, K जो है ना वो K जो है ना वो G के नीचे है, K जो है वो G के नीचे है, तो मान लीजिए कि K को यहाँ बैठा लेते हैं, 5 बॉक्स को बैठाना है तो गैप ज्यादा लेना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, और F यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चलिए अभी इसी को मान के चलते हैं, एक और कंडीशन होता है ना, तो F ऊपर जा सकता है, अगर गलत होगा तो F यहाँ भी जा सकता है, K थोड़ा ऊपर आ सकता है। आगे देखिएगा, विच इज ये हो गया, बॉक्स ए इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन अबव F, F के एक पोजीशन ऊपर है, तो A यही पे हो सकता है और कहीं जगह नहीं है, तो इस हिसाब से लगता है कि मैंने सही किया अभी तक। उसके बाद देखिएगा, ए के लिए भी पोजीशन निकल गया, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन जी और सी, जी और सी के बीच में केवल 1 बॉक्स है, तो सी यहाँ पे हो जाएगा, अभी परफेक्ट जा रहा है। आगे देखिए, जी और सी के बीच में 1 बॉक्स है, बॉक्स आई इज केप्ट अबव ई, बॉक्स आई इज केप्ट अबव ई, ठीक है ना, आई जो है ना ई से ऊपर है, ई बैठा हुआ है, ई और आई कोई नहीं बैठा हुआ, तो अभी नहीं बैठा ये। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स आई इज केप्ट अबव ई हो जाएगा, बट नॉट जस्ट अबव, ठीक है, जस्ट अबव नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला है बॉक्स ई इज नॉट इमीडिएटली, बॉक्स ई इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो सी, तो ई के साथ है सी का रिलेशन नहीं होना चाहिए, ई के साथ सी का रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो एक ही पोजीशन अब मुझे लगता है जो खाली है ये वाला, क्योंकि अगर ई को यहाँ बैठाइएगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, जो कि हम लोग को चाहिए नहीं, और आई को यहाँ बैठा लेते हैं, आई को यहाँ बैठा लेते हैं, तो अकेला जे बचेगा, जे यहाँ पे बैठेगा। तो देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन हमने बना लिया, तो जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो जल्दी बन जाते हैं, ये छोटा क्वेश्चन दिख रहा है आपको तो ये जल्दी बन जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को खोजिए और बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमने बना लिया, बॉक्स को अरेंज करने वाला ये क्वेश्चन तो आपको पूछा जाएगा, आजकल फ्लैट वाला भी आता है तो वो भी देखेंगे। क्वेश्चन को चेंज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी जल्दी से बनाया जा सकता है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है कि 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल सच दैट 5 आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और रेस्ट जो 3 आदमी है ना वो अवे फ्रॉम सेंटर दिख रहा है,
तो यहाँ पे क्या कीजिए, दो सर्कल बनाइएगा यहाँ पे। एग्जाम में जब भी आपको आए तो दो सर्कल बना लेना है, ठीक है ना, दो सर्कल बना लेना है, क्योंकि ये पीओ का क्वेश्चन है और पीओ में गलती होता है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 8 आदमी को ऐसे करके बैठा लीजिए, ठीक है। अब इसमें से 5 आदमी इनसाइड देखेंगे और 3 आदमी आउटसाइड देखेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ आगे आगे क्या लिखा हुआ देखिएगा। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ और एच, एफ और एच के बीच में 3 आदमी बैठेंगे। मान लीजिए कि एफ को यहाँ पे बैठा लिए, एच को यहाँ पे बैठा लिए, एफ और एच के बीच में 3 आदमी। अब इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा वो हम लोग को नहीं पता है, मैंने गलती से अभी इनसाइड कर दिया है। एफ और एच के बीच में 3 आदमी हो जाएगा, हु फेसिंग इनसाइड, मतलब एच जो है ना फेसिंग इनसाइड बोल रहा है, एच जो है ना फेसिंग इनसाइड है, क्योंकि एच के बाद हु लिखा हुआ है तो हु फेसिंग सेंटर, ठीक है, एच के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद लिखा है सी सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ हो जाएगा, सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ हो जाएगा एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ हो जाएगा। मान लीजिए कि इनसाइड अगर देख रहा है एफ है, ठीक है, एफ अगर इनसाइड देख रहा है तो सी सेकेंड राइट जाना चाहिए, तो सी मान लीजिए यहाँ देख रहा है और सी अपोजिट होगा अगर एफ इनसाइड देखेगा। मान लीजिए एफ जो है आउटसाइड देखेगा तो सी इस साइड होगा, तो सी इनसाइड देखेगा और यहाँ पे एच हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक सही होने वाला है, दोनों अभी सही मान के चलते हैं। आगे देखिएगा, सी सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ हो जाएगा एंड अपोजिट टू एफ हो जाएगा, ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी हो जाएगा, ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी हो जाएगा। लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट जाना है तो कैसे जाएंगे, लेफ्ट जाना है हम लोग को, तो 1 2 3 ए यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे लेफ्ट जाना है तो ये इनसाइड देख रहा है, ये आउटसाइड देख रहा है, तो राइट होगा ना, आउटसाइड देखेगा तो उल्टा, 1 2 3 जो राइट होता है वही लेफ्ट बन जाता है आउटसाइड में, और यहाँ पे लेफ्ट इस साइड जाएगा तो 1 2 3 ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन में हमने ए को बैठा लिया। उसके बाद आगे कहा क्वेश्चन में कहा गया है कि सी सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ हो जाएगा और ये हो गया, फिर ई सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ है नहीं लेफ्ट ऑफ सी हो जाएगा, जी इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जी जो है ना ई का पड़ोसी है, तो जी और ई क्या बैठेगा, एक साथ बैठेगा, जी और ई कहाँ बैठेगा, एक साथ बैठेगा, ठीक है, जी ई का पड़ोसी है। 2 पर्सन सिट बिटवीन जी और बी, जी और बी के बीच में 2 आदमी है, जी और बी के बीच में 2 आदमी है। अभी इसको बैठा नहीं सकते क्योंकि इसके लिए कोई भी हिंट दे दिया है क्वेश्चन में, जी और बी के बीच में 2 आदमी है, ठीक है। हु इज नॉट नाइबर ऑफ एच, मतलब एच के साथ उसका रिलेशन नहीं है, मतलब जी यहाँ पे नहीं बैठेगा, जी यहाँ पे नहीं बैठेगा और एच के साथ रिलेशन नहीं है तो जी यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है। अब हम लोग को क्लू मिल चुका है जी और ई को बैठाने का। अब जी और ई जब भी बैठेगा तो एक साथ बैठेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे जी और ई बैठ गया और जी और ई जब भी बैठेगा तो एक साथ बैठेगा। अब चेंज हो सकता है इन दोनों में, जी और ई के पोजीशन में अभी भी चेंज हो सकता है। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, जी और ई के पोजीशन में अभी भी चेंज होगा, तो आगे क्या लिखा हुआ है कि हु इज नॉट जी डज नॉट फेस सी, जी जो है वो जी जो है ना वो फेस नहीं करेगा सी की तरफ, जी जो है सी की तरफ फेस नहीं करेगा, तो ये वाला नहीं होगा। अगर यहाँ पे बैठा रहे तो यहाँ पे ई बैठेगा और यहाँ पे जी बैठेगा, ठीक है, सी के सामने फेस नहीं करना चाहिए। डज नॉट फेस सी कह रहा है मतलब जी यहाँ बैठ सकता है, अगर ऐसे अगर आप बैठा रहे तो ये बैठ सकता है, बट अगर ये आउटसाइड देख रहा है तो ये भी आउटसाइड देखेगा, इसके सामने फेस नहीं करेगा, अभी भी सही है, ठीक है ना। या फिर इन दोनों का पोजिशन चेंज हो जाएगा। आगे आगे देखिएगा, डज नॉट फेस सी हो जाएगा, जी एंड ए सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू एफ, जी और ए सेम डायरेक्शन, जी और ए जो है वो सेम डायरेक्शन, मतलब आउटसाइड देखेगा ए भी बच्चे अपोजिट टू एफ, एफ के अपोजिट है क्योंकि एफ इनसाइड देख रहा है और जी और ए आउटसाइड देख रहा है। अब जी और बी के बीच में 2 आदमी है, जी और बी के बीच में 2 आदमी है, तो बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो मान लीजिए बी को यहीं पे मान लीजिए या यहाँ पे भी मान लेंगे अगले कंडीशन में जब गलत होगा तब। और कुछ लिखा हुआ है क्या यहाँ क्वेश्चन में, जी एंड ए सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू एफ हो जाएगा, ठीक है, अब कुछ नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे अगर बी बैठेगा तो यहाँ पे डी बैठेगा, पक्का यहाँ पे डी बैठेगा, ठीक है। अब हम लोग एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं क्योंकि अभी हम लोग को डायरेक्शन मिला नहीं क्वेश्चन में। अगर हम लोग देखे 3 लोग यहाँ क्या देख रहे थे, आउटसाइड देख रहे थे, तो आउटसाइड देखने वाले 2 लोग यहाँ हो गए, तीसरा लोग यहाँ हो गया, ये इनसाइड देखेगा, ये भी इनसाइड देखेगा और ये भी इनसाइड देखेगा, तो इनसाइड आउटसाइड दोनों मिल गया हम लोग को। अब एक बार क्वेश्चन को मिला लीजिए,
क्योंकि काफी कुछ हम लोग को अभी पता नहीं चला कि बी और डी कैसे बैठेंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है, थ्री पर्सन आर सिट बिटवीन एफ और एच, एफ और एच आमने सामने बैठे हैं तो वो सही है। उसके बाद हु फेसिंग सेंटर, मतलब एच सेंटर की ओर देख रहा है तो वो भी सही है। सी सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ है, सी सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, ये भी सही है, सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ बैठा हुआ है। एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ, ये भी सही है। ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये भी सही बैठा है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। और जी इज वन ऑफ द नेबर, जी इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो जी और ई क्या है, पड़ोसी है, यहाँ तक सही है। टू पर्सन सिट बिटवीन जी और बी, जी और बी के बीच में दो आदमी है, जी और बी के बीच में दो आदमी है, अभी तक तो सही है, जी और बी के बीच में दो आदमी है। टू पर्सन सिट बिटवीन जी और बी हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच, मतलब बी जो है ना एच का पड़ोसी नहीं है। अगर यहाँ पे बैठाएंगे, जी के बारे में नहीं बोला गया था, बी के बारे में बोला गया था, यहाँ पे क्या लिख लीजिए, बी, इसलिए गलत हो रहा था, इसलिए हम लोग को ये पता चल रहा था, यहाँ पे बी बोला गया है। ठीक है, तो बी जो है वो एच का पड़ोसी नहीं है, तो बी यही पे हो सकता है, डी यही पे हो सकता है, अब हम लोग को मिल गया। उसके बाद हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच, एक एक चीज आपको ध्यान से देखना होगा। जी डज नॉट फेस सी, जी सी के सामने फेस नहीं किया है, तो जी सी के सामने फेस नहीं किया है। जी एंड ए सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू एफ, जी और ए जो है वो सेम डायरेक्शन है, मतलब आउटसाइड देख रहा है और एफ इनसाइड देख रहा है, तो उसके अपोजिट में हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बन गया, आसान क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, तो छोटा क्वेश्चन जब भी हम बनाते हैं तो वो आसान होता है, तो उसको आप चाहे तो बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, हटाता हूँ मैं इसको, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, कुछ नंबर ऑफ जो पर्सन है ना वो क्या कर रहे हैं, एक रो में बैठे हुए हैं। तो हम लोग थोड़ा स्पेस लेके बना लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, लंबा सा क्वेश्चन होता है ये, छोटा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है तो जल्दी बन जाएगा, बट इसमें ज्यादा आदमी बैठ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए रो, ध्यान दीजिएगा, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए रो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन बना लिया हमने, एम इज फोर्थ है टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में फोर्थ बैठेगा, तो सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं, तो एस यहाँ पे बैठा लीजिए कहीं पे, और एम फोर्थ में, एक दो तीन चार, एम यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, फोर्थ पे एम बैठेगा, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 5% सीट बिटवीन एम और एक्स, एम और एक्स के बीच में 5 आदमी है, तो मान लीजिए यही पे चलते हैं, 1 2 3 4 5, एम और एक्स के बीच में 5 आदमी को बैठा लिया, अभी गलत होगा तो दूसरा कंडीशन भी लेंगे। आगे देखिएगा, दो कंडीशन साथ में लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे टी सेटे वन ऑफ द पोजिशन लेफ्ट ऑफ एस, टी जो है ना लेफ्ट ऑफ एस कहीं बैठेगा, टी जो है लेफ्ट ऑफ एस कहीं बैठेगा, मान लीजिए टी यहाँ पे कहीं दूर बैठ रहा है, कहीं भी बैठेगा टी, बट एस के लेफ्ट में बैठेगा। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम और यू सेम एज एस और टी, एम और यू के बीच में जितने लोग बैठे हैं ना, हम यहाँ लिख लेते हैं, एम और यू के बीच में अगर एक्स लोग बैठे हैं, एम और यू के बीच में एक्स और लोग बैठे हुए हैं, तो उतने ही लोग एक्स और एस और टी के बीच में बैठे हुए हैं, यही लिखा हुआ है, हाँ यही लिखा हुआ है। क्यू इज सेकेंड फ्रॉम द वन एंड, क्यू जो है ना वो किसी भी एंड से दूसरे स्थान पे, क्यू जो है वो किसी भी एंड से दूसरे स्थान पे, तो मान लीजिए कि टी को ही अंतिम में मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्यू हो सकता है एक दो दूसरे पोजिशन पे। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, आगे यहाँ लिखा हुआ है 4% सीट बिटवीन एस और यू, एस और यू के बीच में 4 आदमी है, तो एस और यू के बीच में 4 आदमी, यहाँ पे ज्यादा क्या पे खाली लग रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4, यू यहाँ बैठ सकता है, या फिर यू 1 2 1 2 4, यहाँ पे यू बैठ सकता है, तो एस और यू के बीच में कितने आदमी हो गए, 4 आदमी हो गए। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, एस और यू के बीच में 4 आदमी हो गए। दो कंडीशन लेके चलना होगा, नो वन राइट ऑफ एन, मतलब एन जो है ना अंतिम पे कहीं बैठा हुआ है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे तो एन बैठेगा नहीं, यहाँ पे टी को बैठा दिए, तो यहाँ पे कहीं पे एन बैठा दिए, अब कोई भी इंसान नहीं बैठेगा उसके आसपास, एन के आसपास कोई भी इंसान अब नहीं बैठने वाला है। ठीक है, उसके बाद राइट ऑफ एन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ पी, मतलब जस्ट पी के राइट में है, तो एन के लिए पी यहाँ पे बैठा लीजिए, एन को यहाँ बैठा लीजिए, थोड़ा सा जगह ले लीजिए। ठीक है, पी और एन एक साथ है।
एक्स से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, एक्स से थर्ड मतलब एक दो और तीन हो गया, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी मतलब एक्स भी बैठ गया पी पे बैठ गया, वहां चेंज नहीं होगा। उसके बाद नॉट मोर देन 2% सीट बिटवीन क्यू और यू, क्यू और यू के बीच में दो से ज्यादा आदमी नहीं बैठेंगे, क्यू और यू के बीच में। तो यहाँ पे मान लीजिए कि या तो दो बैठेगा या तो एक बैठेगा, तो हम लोग का बैठ गया क्यू और यू के बीच में, दो से ज्यादा आदमी नहीं बैठेंगे और ये कुछ बोला नहीं गया है। अब एक लाइन बच गया कि एम और यू के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग एस और टी के बीच में बैठे हुए हैं, तो काउंट कीजिए तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एस और टी के बीच में आठ आदमी, एम और यू के बीच में कितने आदमी होंगे, आठ आदमी होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, देखिए एम और यू के बीच में भी आठ आदमी। तो ये वाला जो डेटा था अपने आप अरेंज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं बट अगर आप इनको अच्छे से बनाएंगे तो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन गया, इसका दो कंडीशन लेके चलना होगा, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने एक ही कंडीशन लेके चला। तो ऐसा क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सात हो गया, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आठ को, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर आठ की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आठ में क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया कि मूवीज ऑफ ए डिफरेंट ड्यूरेशन, अलग अलग समय का मूवी है मंडे से फ्राइडे के बीच में बैठ के देखा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ डेटा लिखा हुआ है, कब कौन सा मूवी रिलीज होता है ये बोला गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखते हैं आठ है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, एक टेबल बना लिया। अब इसमें लिखिए मंडे, उसके बाद ट्यूजडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, ये पांच दिन में मूवी को रिलीज किया जाता है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो ऐसा लाइन खींच लीजिए, ऐसा लाइन खींच लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मंथ हो जाएगा और यहाँ पे टाइम हो जाएगा, ड्यूरेशन बोलिए टाइम बोलिए कुछ भी बोलिए, टाइम कितने समय का मूवी है, ये आप लोग को ऐसा टेबल बना लेना है। उसके बाद यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहला लाइन कि ए जो है रिलीज होता है मंगलवार को, ए जो है वो मंगलवार को रिलीज होता है, तो ए जो है वो मंगलवार को रिलीज होता है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, तुरंत बनने वाला है, ये मंगलवार को रिलीज होता है। नो मूवी रिलीज बिटवीन ए एंड वन इज ए 75 मिनट, अब 75 मिनट का जो फिल्म है और ए के बीच में कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होता है, तो यहाँ 75 मिनट वाला फिल्म रख लीजिए या नीचे रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, 75 मिनट का फिल्म को रख लेना है, ठीक है। ए और 75 मिनट के बीच में कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होता है। उसके बाद ओनली वन मूवी रिलीज बिटवीन वन विच इज 75 मिनट एंड 100 मिनट, 75 मिनट और 100 मिनट के बीच में केवल एक फिल्म रिलीज होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 100 मिनट हो जाता है, केवल एक फिल्म रिलीज होगा 75 मिनट और 100 मिनट के बीच में, गलत होगा तो हम लोग चेंज करेंगे बट ए का पोजिशन फिक्स है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे नो मूवी रिलीज बिटवीन वन विच इज ऑफ 100 मिनट एंड बी, 100 मिनट और बी के बीच में कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होता है, तो 100 मिनट और बी के बीच में कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होता है, निश्चित तौर पे बी यहाँ पे होगा, तो 100 मिनट ऊपर है तब, ठीक है। 100 मिनट और बी के बीच में कोई फिल्म रिलीज नहीं होता, ओनली वन मूवी रिलीज आफ्टर बी, तो सही है, बी के बाद केवल एक ही मूवी रिलीज होता है, तो ये भी सही किया हमने, बी रिलीज इमिडिएटली आफ्टर 100 मिनट, ये सही है, 100 मिनट के तुरंत बाद है ड्यूरेशन। सी रिलीज इमिडिएटली आफ्टर वन विच इज 130 मिनट, अब जो फिल्म 130 मिनट का होगा ना उसके बाद सी रिलीज होगा, तो मान लीजिए कि 130 मिनट का या तो यहाँ पे फिल्म होगा नहीं तो यहाँ पे होगा, तो हम मान के चलते हैं कि बी जो है वो 130 मिनट का है, सी यहाँ पे होगा, आगे जाके पढ़ेंगे तो चेंज कर सकते हैं इसको। आगे क्या लिखा हुआ है, मोर देन टू मूवी रिलीज इन बिटवीन सी और डी, सी और डी के बीच में दो से ज्यादा मूवी है, तो एक दो, तो डी यहाँ पे निश्चित रूप से होगा, सी और डी के बीच में दो से ज्यादा मतलब तीन भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, एक मूवी बच गया ई, तो मूवी का कोटा खत्म। अब टाइम देखिए, द मूवी विच इज 90 मिनट रिलीज बिफोर ई, 90 मिनट का जो फिल्म है वो ई से पहले है, तो ये 90 मिनट का फिल्म है ई से पहले है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ वन मूवी वॉज 20 मिनट मोर ड्यूरेशन देन ई, ई 100 मिनट का मूवी है, तो सी के पास जो फिल्म होगा वो 120 मिनट का होगा। तो ये भी क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से बना, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चार पजल हमने बना लिया 2018 का,
एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ड्यूरेशन का, और ये तो आसान क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइएगा। देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है, बनाया जा सकता है, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको खोजिए और उनको पहले बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि 14% आर सिटिंग इन ए पैरेलल रो, 14% सिटिंग इन ए पैरेलल रो। तो यहाँ पे 1 के 14 आदमी बैठेंगे, यहाँ भी 14 आदमी को बैठा लीजिए ऐसे करके, ठीक है 14% हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 7 एक रो में बैठता है, 7 दूसरे रो में बैठता है, रो 1 फेसिंग नॉर्थ। क्लियर लिखा हुआ है, जो रो 1 है वो नॉर्थ दिख रहा है, ये दिख रहा है रो 1 नॉर्थ है, और ये कहाँ पे है रो 2 है जो कि साउथ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है साउथ दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे लेके चलिए, ये साउथ ये नॉर्थ, ये 1 है ये 2 है, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि रो 1 नॉर्थ दिख रहा है। और यहाँ से यहाँ पे ए वाला बैठेगा और यहाँ पे जो पी 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 क्यू ये सब है वो बैठेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है, आगे लिखिएगा। नीचे रो 1 में कौन से बैठेंगे, ए वाले सब बैठेंगे, यहाँ पी वाले सब बैठेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद लिखा हुआ है देखिएगा, ये स्टेटमेंट हो गया जी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जी ए के तीसरे लेफ्ट में बैठा हुआ है, जी ए के तीसरे लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो ए को कहीं बैठा लीजिए यहाँ पे, 1 2 3 जी यहाँ पे बैठेगा, इसके सामने भी इंसान को बैठा लीजिए, 4 इंसान बैठ गए यहाँ पे, 7 लोग बैठने का जगह है, ठीक है। तो जी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड नाइदर ऑफ देम एक्सट्रीम एंड, मतलब कोई भी अंत पे नहीं बैठा है। तो एक आदमी यहाँ पे, एक आदमी यहाँ पे, एक आदमी यहाँ पे, एक आदमी यहाँ पे, आप दोनों में से कोई भी अंत पे नहीं बैठेगा, ठीक है। जी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए नाइदर एक्सट्रीम एंड हो जाएगा, रो हो जाएगा, द वन फेस ए सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी। अब ए के सामने जो फेस किया है ना, इमीडिएट राइट ऑफ पी है, राइट जाना है मतलब लेफ्ट जाएंगे, इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। टी कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, वो ए के सामने फेस किया हुआ है। तो ये भी कन्फर्म हमने बैठा दिया, ओनली 1% सीट बिटवीन टी और क्यू, टी और क्यू के बीच में केवल एक आदमी है। तो मान लीजिए कि क्यू यहाँ पे बैठा हुआ है, टी और क्यू के बीच में केवल एक आदमी है, ऐसा हो सकता है। आगे देखिएगा, ओनली 1% टी और क्यू के बीच में बैठा हुआ है, और द वन हु फेस क्यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ई। अब क्यू के सामने जो फेस किया है ना, वो थर्ड राइट ऑफ ई बैठा है, मतलब ई को यहाँ पे बैठा लीजिए, ई को यहाँ पे बैठा लीजिए, तो क्यू के सामने ये फेस किया हुआ है तीसरा इंसान, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आगे लिखा हुआ है कि द वन हु ए इमीडिएट राइट ऑफ टी हो जाएगा, ओनली 1% सीट बिटवीन टी और क्यू, टी और क्यू के बीच में केवल एक आदमी है, ये हमने बैठा लिया। द वन हु फेस क्यू सीट थर्ड राइट ऑफ ई हो जाएगा, एस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो एच एस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, एस लेफ्ट ऑफ बी, अभी इसको नहीं बैठा सकते हम लोग क्योंकि अभी ये गलत हो जाएगा, एस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है एस नाइदर फेस जी नॉर ई, एस जो है ना तो जी के तरफ फेस किया है नॉर ई, तो एस यहाँ पे नहीं बैठेगा, एस यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे क्रॉस कर लीजिए, एस इनके अलावा और कहीं भी बैठ सकता है, ठीक है। तो एस मान लीजिए यहाँ पे बैठ जाता है अगर, तो वी के लेफ्ट में, तो वी यहाँ पे बैठ सकता है, ऐसे बैठ सकता है, वी एस एक साथ बैठ सकता है क्योंकि जस्ट लेफ्ट में बैठा है, तो उसके लिए दो पोजीशन चाहिए हम लोग को, ठीक है, यहीं पे बैठेगा, ठीक है। अब सही है, तो ये हमने बैठा लिया। उसके बाद एस से नाइदर फेस जी और नॉर ई हो जाएगा, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए वन हु फेस एस, मतलब एस के सामने जो फेस किया है ना जी, उसका पड़ोसी है, तो ये सही है, जी के बारे में बोला जा रहा है, तो जी उसका, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ, मतलब डी उसका पड़ोसी है, तो डी यहाँ पे बैठ सकता है जी के बगल में। फिर से देखिए तो क्या लिखा हुआ है कि एस नाइदर फेस जी नॉर ई, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु फेस एस, एस के सामने जो फेस किया है ना, एस के सामने यही फेस किया है, उसका डी क्या है ना पड़ोसी है, मतलब डी यहाँ पे हो जाएगा, अगर यहाँ पे डी को बैठाते तो एस के सामने फेस हो जाता, अब ये इंसान जो फेस किया उसका पड़ोसी डी है, ये कहना चाहता है, ठीक है। क्वेश्चन में ए को मैं सही से लिख देता हूँ, ए मिट गया है, ए को मैंने सही से लिख दिया। आगे देखिएगा, क्वेश्चन को बारीकी से देखना होगा, ध्यान से देखना होगा आपको, तभी बना पाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द वन हु फेस सी, एक जो सी के सामने फेस किया है, सीट ए 52 लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है ना। सी के सामने जो फेस किया ना, वो पी के पांचवें लेफ्ट में बैठा हुआ है, पी के पांचवें लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो राइट जाना होगा हम लोग को, लेफ्ट बोला तो राइट है। अब या तो यहाँ पे एक आदमी होगा, या तो पी यहाँ पे होगा, नहीं तो यहाँ पे होगा। अब पांचवा जाना है, तो सी के सामने मान लीजिए ये बैठा हुआ है, क्योंकि और कहीं कहीं जगह खाली नहीं है पांचवे के लिए, यही एक स्थान खाली है जो जहाँ पे सी बैठेगा उसके सामने टी बैठेगा, और पी के पांचवे लेफ्ट में टी बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो कंडीशन को फॉलो करेगा। आगे देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ हो जाएगा, बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ हो जाएगा। अब मान लीजिए एफ को यहाँ बैठा लेते हैं, एफ को यहाँ बैठा लेते हैं, तो बी यहाँ पे बैठ सकता है हम लोग का, बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ हो जाएगा। अभी मुझे लगता है कि मैंने सही बैठाया है, हम आगे चलते हैं। यू सीट ए वन ऑफ द पोजिशन राइट ऑफ आर हो जाएगा, यू मान लीजिए यहाँ पे बैठ गया और आर यहाँ पे बैठ गया, तो ये राइट हो जाएगा। तो देखिए सारे इंसान जो है ना वो बैठ गए, बी ई जी एफ डी ए सी, ठीक है, यू पी वी एस ए क्यू आर टी। तो छोटा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऐसे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे थे दोस्तों, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 हमने बना लिया, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 9 तक ही था, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आगे, मतलब ईयर चेंज हो जाएगा, अब 2019 के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पांच क्वेश्चन पूछे गए 25 नंबर के, तो पजल जो है वो 25 से 30 नंबर भी पूछा जा सकता है, ज्यादा पूछा जा सकता है इस बार, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगर पांच पजल पूछे जाते हैं तो चार आप लोगों को बनाना है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा गया है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 होगा ये, 9 हमने बना लिया, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पूछा गया कि 9% PQRST देख लीजिएगा, 9% का नाम, वे आर बॉर्न देयर डिफरेंट मंथ, अलग अलग मंथ में जन्म लेते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, एक ऐसे करके कॉलम बनाना होगा, ठीक है, उसमें ये सब मंथ देने होंगे, तो जनवरी है, उसके बाद मार्च है, उसके बाद क्या है, जनवरी मार्च अप्रैल है, ठीक है, जनवरी मार्च अप्रैल है, मई है, उसके बाद जुलाई है, उसके बाद देखिएगा जुलाई हो गया, उसके बाद अगस्त हो जाएगा, उसके बाद सितंबर हो जाएगा, उसके बाद अक्टूबर हो जाएगा, उसके बाद नवंबर हो जाएगा, ऐसे हमने बैठा लिए। ठीक है, ऐसे करके हमने बैठा लिए। अब आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब आगे लिखा है 4% वेयर बॉर्न बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में चार आदमी का जन्म होता है। अब ये तो हम लोग को कहीं तो बैठाना होगा, पी और टी के बीच में चार आदमी का जन्म होता है, उससे पहले हम लोग ये मंथ दे देते हैं, ये 30 दिन का होता है, अगस्त सेप्टेम्बर 30 दिन का होता है, नवम्बर 30 दिन का होता है, ये दे दीजिए। और यहाँ पे हम लोग को नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोग डेटा लिखेंगे, पी और टी के बीच में चार आदमी बैठेंगे, ये लिख लीजिए, शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा आप लोग को, तो हम लोग एक ही लाइन में बनाने का कोशिश करते हैं, पी और टी के बीच में चार आदमी बैठेंगे, ठीक है, अब दिख रहा होगा, पी और टी के बीच में चार आदमी बैठेंगे। तो उसके बाद क्या लिखा है, पी वॉज बॉर्न बिफोर टी, पी का जन्म टी से पहले होता है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ क्यू वॉज बॉर्न इन मंथ ऑफ टी दिन आफ्टर जुलाई, जुलाई के बाद कभी भी 30 दिन वाले मंथ में हो जाएगा, तो क्यू का जन्म कहीं भी होगा, मान लीजिए क्यू का जन्म यहीं पे होता है, या फिर अगले कंडीशन में यहाँ पे मान लीजिएगा क्यू का जन्म, ठीक है, क्यू का जन्म 30 दिन में होता है बट जुलाई के बाद। टी वॉज बॉर्न आफ्टर क्यू, टी का जन्म क्यू के बाद होता है। अब देखिए हम लोग बैठा सकते हैं, अब ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, यहाँ पे या तो टी को बैठा लीजिए या नीचे को बैठा लीजिए, बट टी का जन्म क्यू के बाद होगा, अगर पहले इसको बैठाते तो गलत हो जाता। तो 1 2 3 4, तो पी यहाँ पे बैठेगा, पी यहाँ पे बैठेगा मतलब अप्रैल में बैठेगा, अभी फिलहाल अप्रैल में बैठेगा, नहीं तो मई में बैठेगा, अगर टी के पोजीशन पर डिपेंड करेगा, बट पी ऊपर होगा टी से। अब उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्यू वॉज बॉर्न, ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे टी वॉज बॉर्न आफ्टर क्यू, टी वॉज बॉर्न आफ्टर क्यू एंड बिफोर आर,
बिफोर आर, आर से पहले, तो अब आर के लिए भी जगह रखना था, तो आर यहाँ हो जाएगा बिफोर आर हो जाएगा, तो ये भी सही हो गया, आर से पहले टी हो गया, तो कंफर्म हम सही बना रहे हैं। आगे देखिएगा, देयर वेयर एज मेनी पर्सन बॉर्न बिफोर एक्स ए आफ्टर आर, मतलब आर के बाद जितना है उतना एक्स के पहले है, तो एक्स टॉप पे हो जाएगा तो आर बॉटम पे है, तो ये चीज कहना चाहता है यहाँ पे। एक भी इंसान एक्स के बाद नहीं है, पहले नहीं है, और आर के बाद एक भी इंसान नहीं है। वन पर्सन वाज बॉर्न बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में एक आदमी है, तो इसको लिखना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, यू और वी के बीच में एक आदमी है, यू और वी के बीच में एक आदमी है, ऐसे लिख लिया हमने, यू और वी के बीच में एक आदमी है, ठीक है, यू और वी के बीच में एक आदमी है, ऐसा लिख लिया हमने। उसके बाद यू और वी के बीच में एक आदमी हो गया, उसके बाद एस वॉज बॉर्न बिफोर यू, एस का जन्म यू से पहले हुआ है, एस का जन्म यू से पहले हुआ है, तो एस का जन्म यू से पहले हुआ है, ऐसे लिख लीजिए, जस्ट पहले हुआ है ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यू आफ्टर डब्ल्यू, आफ्टर डब्ल्यू मतलब एस का जन्म डब्ल्यू के बाद यू से पहले। अब इसको सेट करने का कोशिश कीजिए यहाँ पे, तो कैसे सेट करें हम लोग, ठीक है, यू और वी के बीच में मान लीजिए कि डब्ल्यू को यहाँ पे बैठा ले, यू और वी के बीच में एक आदमी है, यू और वी के बीच में एक आदमी है, तो यहाँ पे यू को रखना होगा, क्योंकि यू नीचे है एस से, यहाँ पे एस हो जाएगा, यहाँ पे वी हो जाएगा, ठीक है, ये सही दिख रहा है हम लोग को, यू और वी के बीच में एक आदमी हो गया, और डब्ल्यू के लिए ऊपर जगह खाली बच गया, एस बीच में आ गया, तो ये अब सही क्रम है, ठीक है, यही हो जाएगा, एक्स डब्ल्यू पी वी एस यू क्यू टी और आर। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन दोस्तों आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, जब भी छोटा क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो क्वेश्चन क्या होते हैं, आसान होते हैं। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आगे क्वेश्चन चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, 4 पर्सन आर सिटिंग इन द मिडिल, और 4 पर्सन कहाँ बैठ रहे हैं, कॉर्नर में। अब जो कॉर्नर में बैठे हैं ना, क्या लिखा हुआ है, मिडिल में जो बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, रिमेनिंग जो 4 पर्सन है जो कॉर्नर में बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, और क्वेश्चन देखिए कितना छोटा है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, बॉक्स बना लीजिए ऐसे करके, स्क्वायर टेबल बना लीजिए। अब यहाँ पे ये जो मिडिल में बैठे हैं ये इनसाइड देखेंगे, और ये जो कॉर्नर में बैठे हैं ये आउटसाइड देखेंगे। चलिए ये तो हो गया। अब उसके बाद 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी और यू, पी और यू के बीच में 2 आदमी है। अब कैसे बैठा है पी और यू के बीच में 2 आदमी है, या तो मिडिल में बैठा लीजिए या कॉर्नर में बैठा लीजिए। तो मान लीजिए कि हम लोग मिडिल से ही स्टार्ट करते हैं, पी को यहाँ बैठा लिए, यू को यहाँ बैठा लिए, ठीक है, पी और यू के बीच में 2 आदमी है। अब इसको रफ भी आपको लिखना होगा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ पी और यू के बीच में 2 आदमी है, क्योंकि गलत होने का भी चांसेस है। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, आर हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, आर जो है ना पी का पड़ोसी है, आर जो है वो पी का पड़ोसी है, आर जो है वो पी का पड़ोसी है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ, आर जो है वो पी का पड़ोसी है, ठीक है, आर पी आपस में पड़ोसी है, तो इसको क्या कीजिए, सर्कल कर लीजिए कि पता चले कि आर और पी आपस में पड़ोसी है, एक साथ बैठेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है आर हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी हो जाएगा, सिट अपोजिट टू एस, आर जो है एस का अपोजिट है। अब मान लीजिए कि आर यहाँ पे है तो एस यहाँ पे बैठ सकता है, अपोजिट बैठा हुआ है ना, तो आर और एस जो है आपस में अपोजिट बैठे हुए हैं, तो ऐसे हमने मान के चला है, गलत भी हो सकता है। टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी, टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी, टी थर्ड राइट ऑफ वी, ऐसे क्वेश्चन में डेटा लिख लीजिए तो बेहतर होगा। T is third to the right of V हो जाएगा, W is immediate right of T, W और T, W right of T है, W right of T है, एक साथ W right of T है। अब W भी नहीं बैठा है, T भी नहीं बैठा हुआ है, Q face W, Q का जो face है ना W की तरफ है, Q face W, ऐसे लिख लीजिए, Q face है W, Q face W। अब Q और W के लिए एक जगह यहाँ पे बचा हुआ है face करने के लिए, तो मान लीजिए W यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, ऐसे बैठ सकता है, या ये दोनों चेंज करेंगे अपने आप को, ठीक है। W के राइट में T बैठा हुआ है, तो W के राइट में बैठाना है T को, तो T निश्चित तौर पे यहाँ बैठेगा, क्योंकि यहाँ W बैठता तो T के लिए जगह नहीं बचता, तो ये हम लोग सही बनाए, ये भी हम लोग सही बनाए। T थर्ड राइट ऑफ V, T थर्ड राइट ऑफ V,
अब बी के लिए बेचारा एक ही पोजीशन बचा, अब देखना राइट है कि नहीं, तो एक दो तीन राइट है, तो ये सही है। आर और पी एक साथ बैठेगा, तो आर और पी एक साथ बैठा हुआ है, पी और यू के बीच में दो लोग हैं, तो पी और यू के बीच में दो लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से आपने बना लिया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग फिलहाल हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को पूछा गया आपसे कि 12 पर्सन आर सिटिंग इन ए पैरेलल रो हो जाएगा कंटेनिंग 6 पीपल इच रो हो जाएगा, मतलब एक रो में 6 आदमी है, रो 1 हो गया पी क्यू आर एस टी यू टी यू सीटेड है, ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ, मतलब रो 1 वाले साउथ देख रहे हैं, रो 2 वाले नॉर्थ देख रहे हैं, और पी जो है वो रो 1 में बैठा हुआ है। तो हम लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे दो रो बनाना होगा, ये नीचे साउथ देख रहा है, ये नॉर्थ देख रहा है। अब रो 1 वाले कहाँ देख रहे हैं, रो 1 वाले हैं साउथ, रो 1 वाले साउथ, मतलब ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है, ऐसे करके देख रहा है। यहाँ तक तो क्लियर होगा, 1 और 2 वाले, और यहाँ पे नीचे वाले में ए बैठेगा, यहाँ पे पी बैठेगा, तो ये याद रखिएगा ए और पी कहाँ बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ए बैठेगा, यहाँ पे पी बैठेगा, दिख रहा है आप लोग को। अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि देयर आर सिटिंग इन अरेंजमेंट इथ नंबर ऑफ सिटिंग इन फेस अनदर, ये हम लोग को पता है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, पी फेस डी हो जाएगा, पी डी के सामने फेस किया हुआ है, तो हम लोग को पता नहीं है कि कहाँ पे बैठेगा, तो पी और डी आमने सामने फेस किया है, ऐसे करके दिखा दीजिए, पी फेस बी हो गया। उसके बाद है यू डज नॉट फेस ए, यू और ए का कोई रिलेशन नहीं है, यू और ए का कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे करके दिखा दिया हम लोग, यू और ए का कोई रिलेशन नहीं है। ए के बाद हु सेटे लेफ्ट ऑफ ई, मतलब ए लेफ्ट ऑफ ई, कहीं लेफ्ट में बैठेगा, बट जरूरी नहीं है कि जस्ट लेफ्ट में बैठे, ठीक है, ई के लेफ्ट में बैठेगा ए। उसके बाद बट नॉट इमीडिएट, इमीडिएट नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं लेफ्ट में बैठेगा। आर सेट वन ऑफ द एंड डायगनली टू बी, अब बी के अपोजिट आर कहीं बैठेगा, तो मान लीजिए कि बी के अपोजिट आर कहीं बैठेगा, तो मान लीजिए कि बी यहाँ पे बैठ जाता है, कहीं तो बैठेगा, दो कंडीशन लेके चलेंगे, और आर के अपोजिट, एक दो तीन चार पाँच, क्योंकि बी और आर जो है अंतिम में बैठे हुए हैं, तो हम लोग को पता चल गया कि पांच ही आदमी कैसे कैसे बैठने वाले हैं, ठीक है, ये हो गया, ये गलत होगा। तो दूसरा कंडीशन, बी को यहाँ रखेंगे, आर को यहाँ रखेंगे, बट अभी एक कंडीशन लेके चलते हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आर को रख लेंगे, यहाँ पे बी को रख लेंगे, और पांच लोगों को बैठा लेंगे, ये भी काम कर सकते हैं आप। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, डेटा को लिखते जाना है आपको। आगे देखिएगा कि लिखा हुआ है आर इज वन ऑफ द एंड ऑफ द डायगनली हो जाएगा, 3 पर्सन बिटवीन बी और एफ हो जाएगा, बी और एफ के बीच में 3 आदमी है, तो बी और एफ के बीच में 3 आदमी है, यहाँ पे एफ को बैठा लीजिए, बी और एफ के बीच में 3 आदमी है, फिलहाल बैठा बैठाया जा सकता है, यहाँ भी बैठाया जा सकता है, बी और एफ के बीच में 3 आदमी है, ऐसे हमने हमने बैठा लिया। आगे देखिएगा, बी और एफ के बीच में 3 आदमी है लिखा हुआ है, 3 पर्सन बिटवीन बी एंड एफ है, एफ के बाद लिखा हु डज नॉट फेस यू, मतलब एफ और यू का संबंध नहीं है, एफ और यू का संबंध नहीं है, एफ यू के सामने नहीं देखेगा, दुश्मनी है उन दोनों का, ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं दिख रहा है, एफ और यू का संबंध नहीं है, यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है ना। आगे देखिएगा, एफ और यू का संबंध नहीं है। उसके बाद देखिएगा, सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, सी जो है ना, सी लेफ्ट ऑफ डी, तो सी नीचे देख रहा है, मतलब नॉर्थ की ओर देख रहा है, तो यहाँ पे सी लेफ्ट ऑफ डी, ये जस्ट लेफ्ट है, तो सी और डी जब भी बैठेगा तो एक साथ बैठेगा, सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी बट डज नॉट फेस एस, मतलब सी जो है एस के सामने फेस नहीं करेगा, ये भी याद रखना है, सी जो है एस के सामने फेस नहीं करेगा। उसके बाद 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू और यू, क्यू और यू के बीच में 2 आदमी है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, क्यू और यू के बीच में 2 आदमी बैठेंगे, क्यू और यू के बीच में 2 आदमी बैठेंगे, ना क्यू बैठा है ना भी यू बैठा है, दोनों में से कोई नहीं बैठा है, क्यू और यू के बीच में 2 आदमी बैठेंगे। नॉन ऑफ देम सेट एंड, मतलब इन दोनों में से कोई भी अंत में नहीं बैठेगा, तो अंत में नहीं बैठेगा, तो एक तो क्लू मिल गया, हम लोग बैठा लेते हैं क्यू को यहाँ पे बैठा लेते हैं, 1 2, यू को यहाँ बैठा लेते हैं, क्यू और यू के बीच में 2 आदमी,
अब दोनों में से दोनों कोई एंड पे नहीं बैठे हैं, तो ये भी हम लोग को पता चल गया। उसके बाद और कुछ पता है हम लोग को, देखते हैं। टू पर्सन द वन हु फेस टी, टी के सामने जो फेस किया है, सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकेंड राइट में बैठा है। मान लीजिए कि ए यहाँ पे बैठा है, मान लीजिए कि ए यहाँ पे बैठा है, तो एक दो सेकेंड राइट में यहाँ बैठा हुआ है, टी यहाँ पे बैठा सकते हैं फिलहाल, ठीक है, टी यहाँ पे बैठा सकते हैं। सी और एस आमने सामने फेस नहीं किया है, तो मान लीजिए कि एस को यहाँ कर दीजिए, तो बी के सामने फेस हो गया एस का, और उसके बाद बी के सामने फेस हो गया। ए यू के सामने फेस नहीं किया, तो ये ओके हो गया। पी और डी आमने सामने फेस किया है, पी और डी आमने सामने फेस किया, तो पी यहाँ पे मान लीजिए एक ही जगह खाली है, और यहाँ पे डी आमने सामने फेस किया है, तो ये हो गया। ए लेफ्ट ऑफ एफ ई, ए लेफ्ट ऑफ ई, मतलब ई या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, तो यहाँ पे भी बैठा सकते हैं, यहाँ पे भी बैठा सकते हैं, फिलहाल एक टिक लगाइए। और कुछ सी एस के सामने फेस नहीं किया है, तो यू के सामने हो जाता सी, सी यहाँ पे हो सकता है, तो ये भी लगभग सही है। और सी डी के लेफ्ट में है, तो देखिए सी और डी एकदम लेफ्ट में बैठे हैं ना, तो ये भी हम लोग का सही हो गया। एफ यू के सामने फेस नहीं किया है, एफ यू के सामने फेस नहीं किया है, क्यू और यू के बीच में दो लोग हैं, तो क्यू और यू के बीच में दो लोग हैं। तो देख सकते हैं सॉल्यूशन हमने बना लिया, और यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है, इसलिए टाइम लग सकता है। क्वेश्चन लंबा होता है तो टाइम लगता है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बचिए, लास्ट में बनाइए, पहले जो वही क्वेश्चन बनाइए जो आसानी से बन जाए। चलिए इस क्वेश्चन को अभी मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि 12 में देयर आर 11 बॉक्सेज प्लेस्ड जस्ट अबव 11 बॉक्स को रखा गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, 11 बॉक्स को रखा गया, ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, अभी बहुत क्वेश्चन बनाए 11 बॉक्स वाला, एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, ऐसा विश्वास रखिए क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एक, ऐसे करके बना लीजिए बॉक्स को, अरेंज कर लीजिए, और यहाँ पे एरो का साइन दे दीजिए, यहाँ पे ऐसे करके एरो का साइन दे दिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए 11 बॉक्स को हम लोग रख दिए, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आगे देखिएगा, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 5 बॉक्स प्लेस बिटवीन एफ और टी। अब एफ और टी को हम लोग कहाँ बैठा है, ये हम लोग को डाउट है, एफ और टी को कहाँ बैठा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब डाउट है तो डेटा को लिख लेते हैं। एफ और टी के बीच में 5 बॉक्स है, तो ऐसे लिख लीजिए एफ और टी के बीच में 5 बॉक्स है, ठीक है, एफ और टी के बीच में 5 बॉक्स है, नॉट मोर देन 5 बॉक्स केप्ट अबव टी, टी से ऊपर 5 बॉक्स नहीं होगा, टी से ऊपर 5 बॉक्स से ज्यादा नहीं होगा, ये बोला गया ना, टी से ऊपर 5 बॉक्स से ज्यादा नहीं होगा, तो टी कहीं भी हो सकता है, 1 2 3 4 और यहाँ 5 5, मतलब टी यहाँ पे हो सकता है, 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 टी यहाँ हो सकता है, ठीक है, टी यहाँ पे हो सकता है। मान लीजिए कि टी को हम लोग इस पोजीशन पे रखते हैं, टी को इस पोजीशन पे या थोड़ा नीचे रखते हैं, टी को यहाँ भी रखें तो काम चल जाएगा, हम लोग टॉप 3 पोजीशन पे इसलिए रखेंगे क्योंकि एफ और टी के बीच में 5 बॉक्स करना है, 1 2 3 4, और यहाँ पे एफ हो सकता है तीसरे पोजीशन पे। अब जैसे जैसे नीचे घसकाएंगे ना, तो टी यहाँ पे हो सकता है, एफ यहाँ पे जा सकता है, तो वो बाद में हम लोग करके देखेंगे, ठीक है, क्लू हम लोग को हल्का सा मिल चुका है, तो हम लोग बाद में उसको ट्राई करेंगे। आगे देखिएगा, नॉट मोर देन 5 बॉक्स है केप्ट अबव टी हो जाएगा, बॉक्स 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन टी एंड एम, अगर मान लीजिए टी यहाँ पे है तो एम और टी के बीच में 2 बॉक्स है, तो फिलहाल यहाँ पे लिख भी लीजिए क्योंकि गलत होने का भी चांसेज है, टी और एम के बीच में 2 बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन टी, 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन एम और एस है, एम और एस के बीच में 3 बॉक्स है, तो 1 2 3, एस यहाँ भी जा सकते हैं या फिर एस यहाँ भी जा सकता है, तो एस को फिलहाल नीचे रखते हैं और यहाँ लिख भी लीजिए एम और एस के बीच में, एम और एस के बीच में 3 बॉक्स है, एम और एस के बीच में 3 बॉक्स है, ऐसे करके लिख लिया आपने, नहीं दिख रहा आप लोग को, साइड में मैं लिख लेता हूँ कि एम और एस के बीच में 3 बॉक्स है, एम और एस के बीच में 3 बॉक्स है, ये लिखना भी है, गलत भी हो जाएगा तो आप डेटा डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एम इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन अबव एस, एम जो है ना एस से एक पोजीशन ऊपर है, तो एस ऊपर नहीं जा सकता था, एस नीचे आ सकता था, तो अभी हमने सही बैठा है।
उसके बाद एम, देयर आर ओनली थ्री बॉक्स अबव जे, जे से ऊपर केवल तीन बॉक्स है। तो ये तो बहुत अच्छा दिया हुआ है कि जे से ऊपर केवल तीन बॉक्स है, मतलब जे जो होगा आठवें नंबर पे ही होगा, तभी तीन बॉक्स से ऊपर होगा। जे से ऊपर केवल तीन बॉक्स है तो ये फिक्स हो गया। उसके बाद है वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन आर और एस, आर और एस के बीच में केवल एक बॉक्स है, तो आर यही पे हो सकता है और कहीं जगह खाली ही नहीं है आर के लिए। ठीक है, वन बॉक्स से केप्ट बिटवीन आर और एस हो जाएगा। टू बॉक्स आर केप्ट बिटवीन आर और एच, आर और एच के बीच में दो बॉक्स हो जाएगा, तो नीचे जा सकता है एच, जा सकता है बट अभी नहीं ले जाता है नीचे, यहाँ पे एच को बैठा लेंगे, बाद में देखेंगे अगर नहीं होगा तो नीचे ले जाएंगे। आर और एच के बीच में दो बॉक्स है। बॉक्स डी इज वन ऑफ द पोजिशन बिलो के, के के नीचे डी है, के के नीचे डी है, ऐसा लिखा हमने, के नीचे कहीं पे डी बैठा हुआ है, तो के नीचे कहीं पे डी बैठेगा, तो मान लीजिए कि डी या तो यहाँ पे बैठेगा, कहीं भी बैठेगा, उसको रहने दीजिए, अभी हम लोग को नहीं पता है, के नीचे कहीं डी बैठेगा एट वन ऑफ द पोजिशन अबव सी, और सी से नीचे ऊपर है, सी से ऊपर है, तो मान लीजिए सी को यहाँ पे है, डी को यहाँ पे है, के या तो यहाँ बैठेगा नहीं तो यहाँ बैठेगा, कहीं तो एक जगह बैठेगा के। अब उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, बॉक्स ई इज इमीडिएटली अबव के, तो बॉक्स ई जो है ना के से ऊपर है, बॉक्स ई के से ऊपर है, यहाँ पे के हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा। अब ये जो हम लोग का है ना अरेंजमेंट तैयार हो चुका है, तो आप देख लीजिएगा सॉल्यूशन मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा आसान है। तो अभी हमने देख लिया 2019 के सभी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपने देखा 2019 का क्वेश्चन देखा, ठीक है, 2019 के सभी क्वेश्चन को आपने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे 2020 के क्वेश्चन, 2020 के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, सेट मैं चेंज करता हूँ, देखिएगा नया सेट आ चुका है, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को मैं हटा देता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ, 8 पर्सन लिव इन ए बिल्डिंग ऑफ फोर फ्लोर सच डेट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर वन, और ऐसे ग्राउंड फ्लोर नंबर वन है, टॉप फ्लोर 8 है, यही चीज बोला है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 बना लिया था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को बनाएंगे। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन कब के हैं, 2020 के क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2020 आर आर बी पी ओ प्री एग्जाम। ठीक है, प्री हो जाएगा, मतलब पिछले साल के क्वेश्चन है, तो ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिए, एट बॉक्स को बना लीजिए, एट बॉक्स को ऐसे करके बना लिया हमने। अब यहाँ पे नंबरिंग दे दीजिए 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ऐसे करके नंबर दे दिया हमने, ऐसे करके हमने नंबर को दे दिया। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, हो गया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, ए लिव ऑन इवन नंबर ऑफ फ्लोर, ए जो है इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे रहेगा, ए या तो यहाँ पे होगा, 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 ए लिव इवन नंबर ऑफ फ्लोर हो जाएगा। ए लिव जस्ट अबव फ्लैट, फ्लैट वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा, ये फ्लैट वाला क्वेश्चन है, फ्लोर वाला क्वेश्चन नहीं है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, ये सभी क्वेश्चन आरआरबी पीओ 2020 प्रीलिम्स में पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पहला ही क्वेश्चन फ्लैट वाला है। देखिएगा, 8 पर्सन लिव इन ए बिल्डिंग, 4 फ्लोर, 4 फ्लोर है, टॉप फ्लोर 4 होगा, बॉटम फ्लोर 1 होगा, और दो फ्लैट है पी और क्यू। ठीक है ना, दो फ्लैट है पी और क्यू, उसमें सभी को बैठाना है, तो इसका डिजाइन पहले कैसे बनाएंगे देखिएगा ध्यान से। ऐसा कर लीजिए, ऐसा बना लीजिए, दो फ्लैट, फ्लैट पी हो गया, फ्लैट क्यू हो गया, और यहाँ पे फ्लोर 4 हो गया, 4, 3, 2, 1, ऐसे करके फ्लोर बना लीजिए, तो ये हो गया 4 फ्लोर। ठीक है, ऐसे करके हमने बना लिया 4 फ्लोर। ए लिव इवन नंबर ऑफ फ्लोर जस्ट अबव फ्लैट ई, मतलब ए जो है ना ई के जस्ट अबव है, मतलब मान लीजिए ई यहाँ पे होगा, नहीं तो ए यहाँ पे होगा, तो हम ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे, और मान लीजिए कि ए यहाँ पे है तो ई यहाँ पे है। एक और कंडीशन बनाना होगा, उसके साइड में आप बना सकते हैं, हाँ हमारे पास जगह है तो हम बना लेते हैं,
यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लीजिए, दो कंडीशन में ये पक्का बनने वाला है, ठीक है। दो से ज्यादा ज्यादा कंडीशन यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। आप देखिएगा, अब यहाँ पे ए को यहाँ बैठा सकते हैं या यहाँ बैठा सकते हैं, ए और ई, या दोनों का चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ए और ई यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है। अभी हमने क्यू में ही बैठाया है। आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा गया है कि ए लिव जस्ट अबव द फ्लैट ई हो जाएगा, बी लिव वेस्ट ऑफ ई हो जाएगा। बी जो है ना वेस्ट ऑफ ई, तो बी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अगर डायरेक्शन आप बनाएंगे ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट आप देख सकते हैं किस साइड है, तो बी को यहाँ पे हम लोग बैठा सकते हैं। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि बी लिव वेस्ट ऑफ ई हो जाएगा, वन फ्लोर गैप बिटवीन डी और सी, डी और सी के बीच में एक का एक फ्लोर का गैप है। तो यहाँ लिख लीजिए डी और सी के बीच में एक फ्लोर का गैप है, ये लिखा है ना, डी और सी के बीच में एक फ्लोर का गैप है। एच लिव ईस्ट ऑफ डी, एच जो है ना ईस्ट ऑफ डी है, एच जो है ना वो ईस्ट ऑफ डी है। मान लीजिए कि डी यहाँ पे बैठा लेते हैं तो एच ईस्ट ऑफ डी हो जाएगा, या डी यहाँ पे बैठेंगे तो एच यहाँ पे हो जाएगा। डी एच जब भी बैठेगा तो एक साथ ऐसे बैठेगा, डी और एच जब भी बैठेगा तो एक साथ ऐसे बैठेगा, और डी और सी के बीच में एक फ्लोर का गैप है, तो एक फ्लोर का गैप दे दीजिए। अभी इन दोनों का पोजीशन चेंज भी हो सकता है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करेंगे हम लोग। और उसके बाद जी लिव थर्ड फ्लोर, जी जो है ना तीसरे फ्लोर पे रहता है। अब जी जो है वो तीसरे फ्लोर पे रहता है, तो किसी भी फ्लोर पे रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहीं पे रखते हैं जी को, थर्ड फ्लोर पे रखना है। बोथ एफ एंड सी लिव डिफरेंट फ्लैट, एफ और सी जो है ना डिफरेंट फ्लैट पे रहते हैं। तो देखिए फ्लैट भी चेंज कर दिया हमने और ये क्वेश्चन बन गया। अब इसमें कुछ नहीं बचा, ये क्वेश्चन हमने बना लिया, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ तक सॉल्यूशन है, आगे हमने नहीं देखा क्योंकि एक ही बार में हमसे बन गया। तो दो कंडीशन लेके चलिएगा, आसानी से बन जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमने बना लिया फ्लैट का क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन है, इस बार भी पूछा जाएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और शायद मुझे लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेट लाइन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 है। ध्यान से देखिएगा, लिखा है 7% आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ हो जाएगा, दे हैव डिफरेंट एज हो जाएगा, मतलब अलग अलग एज भी दिया हुआ है। तो दो लाइन ऐसे करके बना लीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन सिटिंग अरेंजमेंट है, गलत होने का चांस है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि डी सिटेड थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, डी जो है किसी भी एंड से तीसरे नंबर पे बैठेगा। तो मान लीजिए कि डी यहाँ से बैठेगा, एक दो तीन, डी यहाँ पे बैठ गया तो एक दो सात आदमी, या डी यहाँ से बैठेगा एक दो तीन, अब सात आदमी बैठाना तो चार आदमी और बैठा दीजिए। डी का पोजीशन फिक्स है, कहीं भी डी का पोजीशन फिक्स होगा। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्यू सेटे सेकेंड टू द राइट ऑफ डी हो जाएगा, सेकेंड टू द राइट ऑफ डी हो जाएगा, सेकेंड टू द राइट ऑफ डी हो जाएगा, मतलब क्यू यहाँ पे हो जाएगा, नहीं तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आसानी से बैठ गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि डी नंबर ऑफ पर्सन सेट लेफ्ट ऑफ क्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ जी, मतलब जी के क्यू के लेफ्ट में जितने आदमी बैठे हैं ना, लेफ्ट मतलब इस साइड, जी के राइट में उतने आदमी बैठे हैं, तो जी को यहाँ पे बैठाना होगा, क्योंकि क्यू अंतिम में है तो जी भी अंतिम में बैठेगा, और यहाँ पे बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी एक को चलते हैं, दूसरे के पास बाद में चलेंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ लेके चलिएगा तो गलत होगा। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि सेम हो गया। उसके बाद जी के बारे में लिखा है, हु इज 20 ईयर ओल्ड, जी का एज लिखा हुआ है 20 ईयर, तो यहाँ पे जी का एज दे दीजिए 20 साल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पी इज फोर्थ है टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज 35 ईयर, पी जो है ना चौथे स्थान पे जिसका एज 35 साल है। मान लीजिए 35 साल या तो यहाँ होगा, कहाँ लिखे हम लोग, पी फोर्थ लेफ्ट ऑफ 35 ईयर, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे भी क्यू भी 35 हो सकता है, ये भी 35 हो सकता है, और एक दो तीन चार, पी यहाँ पे बैठ सकता है, नहीं तो यहाँ पे बैठ सकता है, दोनों में से कहीं एक जगह, ठीक है। आगे देखिएगा, क्यू इज नॉट 35 ईयर, अब जाहिर से बात है क्यू 35 ईयर नहीं होगा, तो इसको ही मान के चलते हैं, तो पी यहाँ पे बैठेगा और कोई जगह तो खाली बचा नहीं, तो पी और 35 ईयर भी बैठ गए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, Q इज नॉट 35 ईयर, टोटल एज ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ D इज 75 ईयर, D का पड़ोसी 45 से 75 साल का है दोनों का,
मतलब ये 40 साल का होगा तो ये 35 साल का, 75 साल हो गया डी का पड़ोसी। उसके बाद जे इज 30 ईयर ओल्ड, पी इज 20 ईयर ओल्डर देन इमीडिएट नेबर, मतलब पी जो है कितना है, पी 20 ईयर कितना ईयर 20 ईयर ओल्डर देन इमीडिएट नेबर, मतलब या तो इससे 20 साल ज्यादा है या तो इससे 20 साल ज्यादा है, तो वो बाद में देखेंगे हम लोग। और जे इज 30 ईयर ओल्ड, मान लीजिए कि जे को यहाँ पे अगर हम लोग बैठा दे, क्योंकि यही पे बैठ सकता है, क्योंकि जे को 30 साल का भी रखना है और जे को पोजीशन भी देना है, तो जे यही पे बैठेगा और कहीं भी बैठाएंगे तो या तो किसी का एज डिसाइड हो चुका है या किसी का पोजीशन डिसाइड हो चुका है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जे को हमने बैठा दिया तो पी या तो 50 साल का होगा नहीं तो 40 साल का होगा, ठीक है, 50 या 40 साल का होगा। तो ये अलग अलग एज है तो 40 साल का एक आदमी है तो पी 40 साल का तो नहीं हो सकता है, 50 साल का ही होगा। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 20 साल ज्यादा भी है ना अपने पड़ोसी से, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से लिखेगा। यू सीटेड थर्ड, यू सीटेड राइट ऑफ एल, यू जो है राइट ऑफ एल बैठा हुआ है, यू जो है राइट ऑफ एल बैठा हुआ है, तो राइट ऑफ एल, एल यहाँ मान लीजिए बैठा हुआ है तो यू यहाँ पे बैठेगा क्योंकि दो ही लोग का पोजिशन खाली है, राइट ऑफ एल बैठा है। हू सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ है, वन हु इज 25 ईयर, मतलब वन हु इज 25 ईयर, तो 25 ईयर का कौन हो जाएगा, एल 25 ईयर के जस्ट लेफ्ट में बैठा है, मतलब डी का एज हो गया 25 ईयर। उसके बाद क्यू इज 5 ईयर यंगर देन पी, पी का एज 50 साल है तो क्यू का एज 45 साल होगा, क्यू का एज कितना हो जाएगा 45 साल। तो देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने आसानी से हमने बना लिया और आप भी बना सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है जिसमें आपको बैठाना भी है और एज को भी सेट करना है, तो ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए बन जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, और ये जो सेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया कि 10 बॉक्स प्लेस करना है एक दूसरे के ऊपर, फोर बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन जे और एम, तो पहले तो 10 नंबर तक लिख लीजिए ऐसे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 10 बॉक्स हो गया, ठीक है, 10 बॉक्स हो गया यहाँ पे और एक दूसरे के ऊपर है दसों के दसों बॉक्स, ठीक है। अब देखिए ऐसे करके बना लिए, उसके बाद देखिएगा 10 बॉक्स आर प्लेस्ड, 4 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन जे और एम, जे और एम के बीच में 4 बॉक्स है, तो जे और एम के बीच में 4 बॉक्स है तो इसको तो लिखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे नहीं बनेगा, ये जे और एम के बीच में 4 बॉक्स है, इसको लिख लिए, अभी हम लोग नहीं बैठा सकते क्योंकि हम लोग को जे और एम का स्पेसिफिक पोजिशन नहीं पता है। 2 बॉक्स आर बिटवीन जे और के, जे और के बीच में 2 बॉक्स है, तो मुझे लगता है कि एम ऊपर होगा, जे नीचे होगा और जे और के बीच में फिर 2 बॉक्स हो जाएगा, मतलब 4, 2, 7 बॉक्स, 7-8 बॉक्स अरेंज हो जाएगा एक साथ, ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा चीज हो गया, ठीक है। आगे देखिए, तो जे और के बीच में 2 बॉक्स है, ठीक है, तो ये हो सकता है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि विच एज प्लेस्ड अबव जे, मतलब जे से ऊपर है के, तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे हो गया जे, यहाँ पे हो गया। अब जे को हम लोग अगर नीचे बैठा दें तो 1, 2 कि यहाँ पे हो जाएगा और एम में 1, 2, 3, 3, 4 मान लीजिए एम को यहाँ बैठा देते हैं, अभी भी गलत हो सकता है, ये अंदाजा हमने किया है। आगे देखिएगा एल इज जस्ट अबव, एल इज जस्ट बिलो के, एल इज जस्ट बिलो के, एल को मान लीजिए यहाँ पे बैठा लेते हैं, के नीचे है, एल इज जस्ट बिलो के, ठीक है, ये हो गया, एल इज जस्ट बिलो के हो जाएगा। उसके बाद द नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन एल और एम इज सेम एज एम और क्यू, एल और एम के बीच में कितने बॉक्स है, 2 बॉक्स है, तो एम और क्यू के बीच में भी कितने बॉक्स हो जाएंगे, 2 बॉक्स हो जाएंगे, ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर पता चल रहा है, तो ये हमने बैठा लिया। आगे देखिए गलत होगा तो फिर से देखेंगे, टी इज प्लेस्ड जस्ट अबव क्यू, टी जो है क्यू से तुरंत ऊपर है, तो देखिए अभी तक कितने अच्छे से बैठा है, टी क्यू से तुरंत ऊपर है। वाई इज प्लेस्ड जस्ट अबव ओ, वाई इज प्लेस्ड जस्ट अबव ओ, वाई मान लीजिए यहाँ पे होगा, ओ यहाँ पे होगा, जस्ट अबव ओ, ठीक है, वाई जस्ट अबव ओ हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे x से एडजेसेंट टू m, x जो है m का पड़ोसी है, x यहाँ पे हो जाएगा m का पड़ोसी हो जाएगा, p प्लेस्ड बिलो x हो जाएगा, p जो है ना x से नीचे है तो p यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, p यहाँ पे बैठेगा। देखिए ये क्वेश्चन आसान है, एक दो कंडीशन में इसको बनाया जा सकता है और आसानी से हमने बना लिया एक ही बार में, तो ये क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में लास्ट ईयर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन यहाँ बैठेंगे तो इस चीज को हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक एक डेटा को आपको केवल अच्छे से लिखने आ जाएगा ना तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अनसर्टेन नंबर का क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक लंबा सा लाइन खींचिए ऐसे करके और क्वेश्चन को देखिए, अनसर्टेन नंबर ऑफ है पर्सन सिट इन ए रो फेसिंग नॉर्थ हो जाएगा, अच्छा बात दिया हुआ है, एल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में थर्ड है, एम के लेफ्ट में थर्ड है, एम यहाँ पे है तो एक दो तीन एल यहाँ पे बैठेगा। अभी हो सकता है जगह भी हम लोग को चाहिए होगा और भी जगह, तो हम लोग यहाँ नहीं बैठाते हैं, हम लोग थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं यहाँ, जब इतना जगह खाली है तो एम को यहाँ एक दो तीन यहाँ पे कहीं बीच में बैठाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा 5% बिटवीन एम और एन, एम और एन के बीच में पांच आदमी है, एम और एन के बीच में पांच आदमी है, तो यहाँ पे तीन आदमी बैठ गया, एक दो एन यहाँ बैठ सकता है, दूसरा कंडीशन लेंगे तो इस साइड भी बैठा सकते हैं, ठीक है, पांच आदमी बैठेंगे एम और एन के बीच में। 3% सेंट बिटवीन क्यू और जे, क्यू और जे के बीच में तीन आदमी है, क्यू और जे के बीच में तीन आदमी है, क्यू और जे के बीच में तीन आदमी है, अभी हम लोग नहीं बैठा सकते हैं। क्यू डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एन, एन के बाद में नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट टू एन नहीं बैठा हुआ है, मतलब क्यू और एन का शायद रिलेशन नहीं है, यही कहना चाहता है, क्यू और एन का कोई रिलेशन नहीं है। एन इज सेवन फ्रॉम द वन एंड, एन इज सेवन फ्रॉम द वन एंड, मतलब एक दो तीन, एक दो तीन और सात, सेवंथ बोला गया ना तो यही तो हो गया सातवा, ठीक है, छह आदमी है उससे पहले बैठे हैं, मतलब एन का पोजिशन सेवंथ है, ठीक है, ये कहना चाहता है सेवंथ पोजिशन पे एन बैठा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन सीट राइट ऑफ क्यू इज फोर मोर देन हु सीट लेफ्ट ऑफ एन, मतलब एन के लेफ्ट में कितने बैठे हैं, छह आदमी, तो क्यू के राइट में चार ज्यादा बैठेंगे, तो दस आदमी बैठेंगे क्यू के राइट में, तो मान लीजिए कि क्यू यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, ये दस आदमी बैठ गए क्योंकि राइट में। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है के सीट सेकंड फ्रॉम द वन एंड, के जो है ना सेकंड फ्रॉम द वन एंड, तो या तो इस एंड से होगा या तो इस एंड से होगा, तो मान लीजिए के इस एंड से सेकंड स्थान पे बैठा हुआ है, वन एंड हो जाएगा एंड सीट राइट ऑफ एम, मतलब एम के राइट में बैठा है, तो देखिए एम के राइट में बैठा है सही है, अगर इस साइड बैठा था तो एम के लेफ्ट में हो जाता, तो पूरा लाइन को पढ़ना होता है। अब छूट क्या रहा है, क्यू और जे के बीच में तीन लोग हैं, क्यू और जे के बीच में तीन लोग हैं, तो ये यहाँ भी जे हो सकता है या तो यहाँ भी जे हो सकता है, मान लीजिए कि जे को यहीं पे बैठा लेते हैं, एक दो तीन, तीन लोग हो जाएंगे, और जे यहाँ भी बैठ सकता है, जे यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है। अब पे क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़िए तब जाके ये क्लियर होगा कि हमने सही बनाया कि गलत बनाया। लिखा हुआ है कि L सीटे थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, तो वो दिख रहा है L सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, ठीक है, 5% सीट बिटवीन M और N, ये भी सही दिख रहा है, J इमीडिएट राइट ऑफ M, J इमीडिएट राइट ऑफ M, तो ये चीज हमने लिखा ही नहीं था, J इमीडिएट राइट ऑफ M, तो इसके हिसाब से ये हमने सही बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक एक लाइन को अगर सही से पढ़िएगा ना, कॉन्सेंट्रेट करके बनाइएगा, तो सभी क्वेश्चन आसानी से बनने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों चार साल के, पिछले चार साल के आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के 2017 से लेके 2020 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के, वो सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देख लिया। अगर आपका पीओ का एग्जाम है तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख के जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हमने पजल और सेटिंग अरेंजमेंट का वीडियो लाया,
अब हम लेके आएंगे डीआई का, क्योंकि डीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डीआई 15 से 20 नंबर का पूछा जाएगा और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मुझे जहां तक लगता है कि इस बार 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 25 नंबर की ये क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपके आराम से 35 नंबर आ जाएंगे रीजनिंग में, और 35 आ जाएंगे तो आप आराम से क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।